धरने पर बैठे विद्युत कर्मियों को मिला है पूर्व मुख्यमंत्री का साथ। पूर्व मुख्यमंत्री कौन है ये मैं आपको बताऊंगा। और पूर्व मुख्यमंत्री ने धरने पर पहुंचकर जो सरकार है उसको जमकर खरी खोटी सुना दी। मामला छत्तीसगढ़ का है। यहां आपको पता ही है कि 24 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है जहां पर संविदा विद्युत कर्मी जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इनको साथ मिला पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का। डॉक्टर रमन सिंह तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है धरना स्थल पर पहुंचे, इन कर्मचारियों से बातचीत की। यहां पर यह बताना जरूरी है कि कर्मचारी जो है अपनी द्विसूत्रीय मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई है और उनको बात करने के लिए यानी उनसे कोई बात करने तक के लिए नहीं आया ताकि संवाद हो सके इन संविदा विद्युत कर्मियों की, जिनका यह कहना है कि हम हमेशा जान जोखिम में डालकर अपना काम करते हैं, नियमितीकरण की दिशा में कोई नहीं सोच रहा है, पावर कंपनी की जो नीतियां हैं वो इनके खिलाफ हैं, इनकी सुनवाई नहीं होती है। साथ ही साथ इनका यह कहना है कि इनके साथी जो काम करने वाले लोग हैं वो भी कार्य के दौरान जो हैं वो मौत के मुंह में समा गए, उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति तक नहीं दी गई। अब इस पूरे मामले पर रमन सिंह कैसे घेर रहे हैं सरकार को, ये सुनिए। संविदा विद्युत कर्मचारी लगातार 24 दिन से आंदोलनरत हैं, इनकी कोई बड़ी मांग नहीं है। ये 3000 संविदा कर्मचारी लाइनमैन जिन्हें परिचारक कहा जाता है आंदोलन कर रहे हैं, 24 दिन हो गए हैं। इनकी दो मांग है, इन्हें संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। दूसरा मांग है जो 25 लोगों की मौत हुई है काम करते समय उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। 25 कर्मचारियों की मौत हो गई है 2004-05 में, 7-8 में, 10-11 में, लगातार हम लोगों ने इनको रेगुलर किया दो दो साल के अंतराल में। 16 और 18 में जो नियुक्ति हुई है वो 3000 हैं। ये 3000 की संख्या में पद खाली हैं, उस पद के अगेंस्ट में इनको रेगुलर किया जा सकता है और ये प्रक्रिया कानून है। बोर्ड ने पहले भी तय किया था इन्हें रेगुलर करने के लिए, जानबूझकर इसको डिले किए जा रहे हैं। मैं आज इनके समर्थन में आया हूं और इनकी मांग को सरकार तत्काल पूरा करे, यही बात करने आया। सर, एक मिनट, ये जो लगातार कर्मचारियों का जो आंदोलन है तो क्या ये सत्ता परिवर्तन का संकेत माना जा सकता है? जिस प्रकार से आक्रोश उबल के आ रहा है, समाज के सभी वर्गों में नाराजगी हो रही है, 1.5 साल बाद जनता इनको सबक सिखाएगी। जितना भी दम दिखा ले, तानाशाही दिखा ले, आतंक दिखा ले, मगर ये आक्रोश फूटे। सुना आपने, रमन सिंह ने सीधे तौर पर सरकार पर सवाल उठाया और कह दिया कि जो ये लाइनमैन हैं इनके विषय में सरकार सोचे, क्योंकि पहले जो सरकार थी यानी बीजेपी की सरकार उस समय 2 साल के बाद ही इनको नियमितीकरण कर दिया जाता था। अब इनके परिवार के जो लोग हैं खासतौर से वो लोग जो काम करने के दौरान जो मौत के मुंह में समा गए, इनको मुआवजा भी दिया जाए। यही वजह है कि धरना दे रहे विद्युत कर्मियों को अब मिला है डॉक्टर रमन सिंह का साथ। रमन सिंह ने सरकार को घेरा है और ये सीधे सवाल उठाए हैं कि सरकार को दिक्कत कहां पर आ रही है इन धरना कर रहे कर्मचारियों की बात सुनने में। रायपुर से आप तक एक बार पहुंचाई हमारे साथ महेंद्र नामदेव ने, आप देखते रहे अभी तक।